आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं हमारे आज के लाइव सेशन में। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो रिसेंट में एक ऐप आया हुआ है, उस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। वो किस लिए आया है, क्या ये कैसे काम करता है, इसके बारे में आज के जो लाइव सेशन में हम लोग कम्प्लीट डिस्कस करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि आरोग्य सेतु जो ऐप है वो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है। इस ऐप में क्या है कि इस ऐप में ट्रैकिंग का सुविधा उपलब्ध है। मान लीजिए यदि आप ये ऐप इंस्टॉल करके रखे हैं तो अगल बगल यदि आपका कहीं कोरोना वायरस का मरीज़ घूम रहा है और आप यदि उनसे संपर्क में आते हैं तो ये तुरंत आपको अलर्ट कर देगा। तो अभी के टाइम में ये जो आरोग्य सेतु ऐप है सभी को इंस्टॉल करना चाहिए। तो चलिए आरोग्य सेतु ऐप कैसे काम करता है, कैसे इंस्टॉल करें, कहाँ से इंस्टॉल करें, इस पर अभी हम लोग लाइव जो आप हमारी स्क्रीन में देख रहे हैं उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपना फ़ोन का जो प्ले स्टोर में जाना होगा। किस में जाना होगा, प्ले स्टोर में। तो जब आप प्ले स्टोर में जाएंगे, सिंपली इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सर्च में आपको लिखना आरोग्य सेतु ऐप, जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे आरोग्य सेतु, मैं पहले भी सर्च कर चुका हूँ। तो ये वाला जो चीज़ आपको वहाँ पे टाइप करना है आरोग्य सेतु। जब आप आरोग्य सेतु में जाएंगे तो सबसे पहला जो ऐप जो आ रहा है आरोग्य सेतु का, इसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। इसी ऐप को आपको डाउनलोड करना है और यही ऐप जो है भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो आरोग्य सेतु ऐप पे आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दिख रहा होगा, आपको आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इनको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो देखिए ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद हम लोग लाइव उसमें देखेंगे। मैं खुद यहाँ एक बार करके दिखाऊँगा कि कैसे ये काम करना करता है, किस तरीके से आपको इसके अंदर सेटिंग करना होगा, ये सारी चीज़ें अभी आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले इसको इंस्टॉल होने के लिए दे देते हैं, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग रहा है डाटा स्लो होने की वजह से, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, इसको इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको ओपन करके जो है डायरेक्ट देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ पूछता है, क्या इसका ऑन रहता है, GPS ट्रैकिंग कैसे ये करता है, अगल बगल जो हमारे कोरोना वायरस यदि पेशेंट मिलेंगे तो ये हमें कैसे इंडिकेट करता है, ये भी हम लोग देखेंगे। जब ये आरोग्य सेतु का ऐप जब इंस्टॉल हो जाएगा तो हम यहाँ पे एक ओपन का आपको बटन दिख रहा होगा, इस ओपन के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस आपको मिल रहे हैं, तो आपका जो लैंग्वेज है उसको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना सेलेक्ट करूँगा इंग्लिश को। जब इंग्लिश पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। चलिए मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक किया, अब फिर आ रहा है आपको नेक्स्ट के बटन में। अभी आपको कुछ उतना जानकारी नहीं है, पढ़ना नहीं है, बस डायरेक्ट नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते चले जाना है। तीन बार जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद एक ऑप्शन आता है रजिस्टर नाउ का, तो अब आपको क्या करना है, रजिस्टर नाउ पे डायरेक्ट क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ रजिस्टर नाउ पे। जब रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आई एग्री करके एक बटन आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ भी आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ और सबको मैं अलाउ कर देता हूँ। जब अलाउ कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो अब आपका जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगा जाता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अपना मोबाइल नंबर दे करके सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देता हूँ फटाफट से। इसके नंबर देने के बाद क्या करना है, आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ सबमिट पे। तो यहाँ पे एक OTP आएगा, ठीक है, एक अभी OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सबमिट कर देना है। यदि आपका ये जो OTP आने वाला है इसी फ़ोन में आपका नंबर है तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, जैसा कि मेरे डायरेक्ट हो गया। अब देखिए मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ इसलिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि यू आर सेफ, यानी कि हम अभी सेफ हैं। जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो है ब्लूटूथ और लोकेशन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। जब तक आप इस ऐप को इंस्टॉल करके रखेंगे अपने फ़ोन में, ब्लूटूथ और जो है लोकेशन हमेशा ऑन रहेगा। तो चलिए यहाँ पे जब आप न्यू करेंगे तो कैसा दिखता है वो आप कर देते हैं। यहाँ पे एक टेस्ट अगेन का ऑप्शन आएगा, ठीक है, हो सकता है आप न्यू इंस्टॉल करेंगे तो आपको जो है फिर से यहाँ पे टेस्ट अगेन का ऑप्शन नहीं आकर के डायरेक्ट आएगा। तो किस तरह से डायरेक्ट आएगा वो आप देखते हैं। टेस्ट अगेन में जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्लीज़ नोट डेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस चैट विल बी यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द करंट हेल्थ क्राइसिस एंड रिसर्च इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19। इसका मतलब क्या है कि जो हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे वो सारा जो है मॉनिटरिंग हो रहा है और मैनेजमेंट हो रहा है, जो रिसर्च कर रहा है
फाइट कर रहा है अगेंस्ट COVID-19 का। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा कि व्हाट इज़ योर जेंडर, तो मेरा जेंडर क्या हुआ, हम क्लिक कर देते, चलिए मेल है। जब मेल में क्लिक करने के बाद आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर एज, आपका एज कितना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा 23। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जब नेक्स्ट में आप क्लिक करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास फिर से आ रहा है कि आर यू एक्सपीरियंसिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम, आपसे पूछा है कि क्या ये सिम्टम आपके अंदर है। पहला कफ, फीवर, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, नन ऑफ द एबव, तो मेरा कुछ भी नहीं है, तो मैं सिंपली क्लिक करूँगा नन ऑफ द एबव पे। तो मैं चलिए नन ऑफ द एबव पे क्लिक करूँगा, जिसका कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन फिर आ रहा है कि हैव यू एवर हैड एनी ऑफ द फॉलोइंग, क्या आपको इनमें से कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लंग डिजीज, हार्ट डिजीज, नन ऑफ द अबव, तो मुझे कुछ भी नहीं है तो मैं नन ऑफ द अबव पे क्लिक करूँगा। उसके बाद दूसरा फिर क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हैव यू ट्रेवल एनीवेयर इंटरनेशनली इन द लास्ट 14 ईयर्स, आपसे पूछा है कि आपने लास्ट 14 दिन में कोई इंटरनेशनली ट्रेवल किया था, तो मैंने तो नहीं किया था, तो सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा, यदि कोई किए थे तो आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू यू, इनमें से क्या आप में अप्लाई होता है, तो क्वेश्चन क्या क्या है कि यू हैव रिसेंटली इंटरेक्ट और लिव्ड विद समवन हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर COVID-19, यानी कि ये पूछ रहा है कि आप उस एरिया में रह रहे हैं जिस एरिया में रिसेंट किसी का टेस्ट हुआ और वो कोरोना पॉजिटिव निकला, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि आई एम ए हेल्थ केयर वर्कर एंड आई एक्सप्लेन ए COVID-19 कन्फर्म केस विदाउट प्रोटेक्टिव गियर। दूसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछा है कि मैं एक हेल्थ केयर वर्कर हूँ और मैंने एक COVID-19 पॉजिटिव केस को यहाँ पे विदाउट कोई प्रोटेक्शन से टेस्ट किया था, यह है या फिर नन ऑफ द अबव, तो मैं अभी नन ऑफ द अबव पर क्लिक करूँगा। तो जब नन ऑफ द अबव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है उसको पढ़ते हैं कि योर इन्फेक्शन रिक्स इज लो, मेरा जो इन्फेक्शन का जो रिक्स है वो लो है, वी रिकमेंड डेट यू स्टे एट होम टू अवॉइड एनी चांस ऑफ एक्सपोजर टू द नोवल कोरोना वायरस, वो हमसे कह रहा है कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप घर पे ही रहें और अवॉइड कीजिए बाहर निकलने का, तो उससे सेफ रहेंगे आप नोवल कोरोना वायरस से। अब सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है आपको, चलिए मैं ओके पे क्लिक कर दिया। अब आप देखिए क्या है, अब तो ये आपका टेस्ट एक बार हो गया कि आपका जो है COVID-19 यानी कोरोना वायरस नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे तो मेरा ब्लूटूथ ऑटोमेटिक ऑन हो गया, जब ब्लूटूथ ऑन हो गया और मेरा लोकेशन भी ऑन हो जाता है, जब हम कहीं बाहर निकलेंगे थोड़ी देर के लिए, यदि मेरे अगल बगल कोई COVID-19 यानी कोरोना वायरस मरीज का कोई पॉजिटिव केस का पेशेंट रहेगा तो वो हमें अलर्ट कर देगा हमारे ऐप से। तो इस टाइप से ये आरोग्य सेतु ऐप काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।